पूर्व में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव पर काकोरी शहीदों के बलिदान को याद कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों ने काकोरी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के परिजन कार्यक्रम में शामिल हुए। महोत्सव में शहीदों और कई स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग विकास भवन प्रेरणा सभागार पहुंचे। इस समय मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार की गैलरी में, जहां पर आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस महोत्सव को लेकर के आज सुल्तानपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और उसके तहत यहां पर एक गैलरी में एक यहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न तरह के काकोरी कांड से रिलेटेड यहाँ पर चित्रों को यहाँ पर लगाया गया है, और उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारीगण और तमाम इस ऑफिस में जो कर्मचारी हैं और तमाम जो आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव को लेकर के वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो संस्कृति विभाग द्वारा एक उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी की स्मृति दिलाने के लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है। इस समय के लोग और सभी लोग को ये जानना चाहिए अपने इतिहास बारे में कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने कितनी बलिदानियाँ दी हैं और किस प्रकार से भारत को आज़ाद दिलाने में अपने अहम भूमिका निभाई है। तो उसी का यह प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि एक एक घटना को सिलसिलेवार ढंग से दर्शाया गया है। ये सबके लिए ज़रूरी है कि हम सभी इन सब चीज़ को देखें, स्मृति करें, नमन करें और आगे अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहें। आज कल से ही हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जनपद में। कल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसी प्रकार से अन्य कार्यक्रम कल आयोजित किए गए। आज भी सुबह सरकार के निर्देशानुसार साइकिल रैली निकाली गई और अभी प्रेरणा सभागार में माननीय गण की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिजनों को हम लोगों ने सम्मानित किया और साथ ही साथ हमारे अन्य माननीय गण के द्वारा अपना संबोधन दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव प्रसारण था वो सब मिलकर हम लोगों ने देखा, जो लखनऊ से कार्यक्रम था। ये सबके लिए ज़रूरी है, खास इसमें बच्चों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, बच्चे स्कूली बच्चे थे और उन्होंने देखा और आगे इससे अच्छा एक जज्बा पैदा होता है, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर, आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? ये काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान के ये शताब्दी समारोह के शुभारम्भ अवसर पर शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका मेन मकसद है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके मूल्यों से आज की युवा पीढ़ी को हम उससे अवगत कराएं और आज की युवा पीढ़ी उन लोगों से यह सीख ले सके कि हमें भविष्य में स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसी का संदेश देना है। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराएं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको ये जानकारी हो और उस जानकारी के उसमें वो अपने बच्चों को भी उसके विषय में बता सके। मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उनके पारिवारिक जनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और उसके अलावा आज यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो छात्र रहे हैं उन्होंने यहाँ पर साइकिल निकाली और साथ ही यहाँ पर जो सांस्कृतिक जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए हैं, जो यहाँ पे लोकल के स्थानीय कलाकार रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रस्तुतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा के साथ रवि श्रीवास्तव।